हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस ऑडियो। आज हम बात करेंगे वायर्ड और वायरलेस हेडफोन्स के बारे में। हम सभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और उन पर म्यूज़िक, मूवीज़, गेम्स, यूट्यूब और पता नहीं कितनी चीज़ें हम एंजॉय करते हैं। इनके लिए हम एक अच्छा ईयरफोन या हेडफोन परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे लिए कौन सा हेडफोन या कौन सा ईयरफोन ज़्यादा सूटेबल होगा। तो आइए, इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों पर नज़र डालते हैं, जिसके बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ज़्यादा टाइम ना खर्चते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो वायर्ड हेडफोन्स वायरलेस हेडफोन से काफ़ी कम बजट में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बैटरी या फिर वायरलेस ऑडियो रिसीवर नहीं होता है। दूसरी बात करें ऑडियो क्वालिटी की, तो सेम प्राइस रेंज में आपको वायर्ड हेडफोन्स वायरलेस हेडफोन से ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं। कुछ ब्लूटूथ हेडफोन्स आज की डेट में बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कंपनी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे बजट से बाहर निकल जाते हैं। तीसरी बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। तो पोर्टेबिलिटी के लिए हम दोनों ही चीज़ों को ऊपर रख सकते हैं। आप वायर्ड या वायरलेस हेडफोन को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और अपनी मनपसंद डिवाइसेस के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स या फिर लैपटॉप। चौथी बात करें कंपैटिबिलिटी की। तो दोनों ही डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी बहुत हाई है। हर फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर आपको 3.5 mm का जैक भी मिलता है और ब्लूटूथ भी मिलता है, लेकिन कुछ फ़ोन्स में आजकल 3.5 mm जैक नहीं आता है, तो उसके लिए आपको एक लाइटनिंग जैक से 3.5 mm के लिए अडेप्टर लेना पड़ता है। लेकिन ब्लूटूथ हेडफोन्स आप किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऑडियो सोर्सेज जैसे कि डेस्कटॉप या कुछ MP3 प्लेयर्स या फिर एम्पलीफायर जो हेडफोन के लिए आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए आपको वायर्ड हेडफोन्स ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। पाँचवीं बात करें बैटरी की। तो वायर्ड हेडफोन्स में कोई बैटरी नहीं होती है, वो सिर्फ आपके स्मार्टफोन के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके स्मार्टफोन में बैटरी है तो आपका ईयरफोन चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। वायरलेस हेडफोन्स में आपको बैटरी मिलती है, वो बैटरी की एक लाइफ होती है जो कि 8 से 10 घंटे तक हो सकती है, और उसके बाद में आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे फिर आपके स्मार्टफोन में बैटरी ही क्यों ना हो, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। छठी बात करते हैं कंफर्ट की। तो क्योंकि आपको वायर्ड हेडफोन्स में केबल मिलती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंफर्ट लेवल उसका कम हो जाता है। लेकिन अगर हम वायरलेस को देखें, तो वायरलेस में हमारे लिए कोई वायर नहीं होता, सिर्फ मेन हेडफोन होता है जिसे हम अपने कानों पर लगा सकते हैं, और उसके बाद हमें केबल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 6 चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए लास्टली अपने हिसाब से जो चीज़ हमें सूटेबल लगेगी, हम वो ख़रीदना चाहेंगे। तो बात करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। अगर आप घर बैठ के एंजॉयमेंट करना चाहते हैं या अपने डेस्कटॉप पर बैठकर स्ट्रीम करते हैं, तो आपके लिए वायर्ड हेडफोन ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। और अगर आपका बजट लो है, तो भी आपके लिए वायर्ड हेडफोन्स एक अच्छी चॉइस हो सकता है। हालांकि जो लोग ट्रैवल करते हैं, गेम्स खेलते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं, हैवी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए वायर्ड हेडफोन्स बिल्कुल ही बेकार होते हैं, क्योंकि खींचतान में बहुत जल्दी ही उनकी केबल डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने भी नहीं चल पाते। उस केस में वायरलेस हेडफोन्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने लिए एक अच्छा और सूटेबल हेडफोन खरीद सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, या अगर आपके कोई सवाल हो तो भी उसमें लिखें, जिस पे मैं आगे वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।